गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुमार देवदत्त की परीक्षा होगी। कुमार देवदत्त की। देखना महादेव, देवदत्त चुटकी बजाते ही लक्ष्य भेद देगा। उससे श्रेष्ठ दूसरा धनुर्धर कोई है ही नहीं। हाँ सुना है, अनुज अमितोधन बता रहे थे, उससे उत्तम कोई नहीं। रुक जाइए गुरुदेव, क्षमा गुरुदेव। परीक्षा के लिए क्या मूक पक्षियों को लक्ष्य बनाना उचित है? परीक्षा में धनुर्धर की योग्यता को परखना होता है। क्या युवराज के पास कोई और विधि है? लगाइए लक्ष्य स्थल पर, जो जितना केंद्र के निकट होगा उतना ही दूसरों के आगे। युद्ध में थाल और कटोरों पे बाण नहीं चलाते अनुज, रणभूमि में क्षत्रिय जीवन और मृत्यु पे खेलते हैं। अरे यदि उड़ते पक्षियों को नहीं मार सकते तो शत्रु तुम्हें मार देंगे। युद्ध रणभूमि में खेला जाता है ज्येष्ठ, यहां नहीं, और वो भी अनिवार्य हो तब। यहां तो केवल परीक्षा के लिए निर्दोष पक्षियों को लक्ष्य बनाया जा रहा है, ये उचित नहीं। उपदेश साधु संत देते हैं, क्षत्रिय नहीं। यहां तो केवल परीक्षा दी जाती है, ये भीरुता के व्यर्थ कारण नहीं। कुमार देवदत्त सत्य कह रहे हैं, होने वाले सम्राट को लक्ष्य का छोप कैसा। युवराज, वैसे भी आपको शस्त्र विद्या में रुचि नहीं है, हम आपकी परीक्षा बाद में लेंगे। गुरुदेव, आज एक नहीं दो पक्षी उड़ाइए, मैं दोनों लक्ष्य एक साथ भेटूंगा। बड़ा धनुर्धर कोई है ही नहीं। कुमार देवदत्त की। जाओ, अब तुम्हारी बारी है। एक बार अपने तीर से उड़ते हुए रक्त को देखो, कितना आनंद मिलता है। जाओ सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं ये परीक्षा नहीं दे सकता। तो ठीक है गुरुदेव, परीक्षा समाप्त हुई, मुझे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाए। जी गुरुदेव, अब ज्येष्ठा को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दें। मैं पक्षियों को नहीं मार सकता। सिद्धार्थ, तुम्हें परीक्षा देनी होगी, ये मेरा आदेश है। गुरुदेव, आप मेरी यही परीक्षा लेना चाहते हैं ना?
कि मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं कि नहीं, तो लक्ष्य कोई दूसरा भी हो सकता है। हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन लक्ष्य उतना ही कठिन होना चाहिए जितने ये उड़ते हुए पंछी। ज्येष्ठ, अब आप इसे अपनी पूरी शक्ति से ऊपर उछालिए, इतना ऊपर उछालिए कि ये मोती बिंदु के रूप में भी ना दिखाई। क्यों अपना उपहास कराने पे चले हो? कुमार, अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करवाना था तो अहिंसा का ढोंग क्यों किया? सबके समक्ष मुझे क्रूर दिखाने के लिए? अरे क्या कहता, मैं भी पक्षियों के जगह तुम्हारे गले के मोती को भेज देता, लेकिन मुझे तो मेरे प्रिय अनुज ने अवसर तक नहीं दिया। इतना बड़ा कपट क्यों? ज्येष्ठ, मैंने तुम्हारे साथ कोई कपट नहीं किया, और तुम तो बचपन से जानते हो कि मैं पक्षियों को लक्ष्य बनाने का विरोधी। हाँ हाँ, तुम तो बड़े अहिंसावादी हो। अरे मत भूलो सिद्धार्थ, प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष है कि तुम भी हिंसा करते हो, लोगों की भावनाओं की हत्या करते हो तुम, हत्यारे हो तुम। लेकिन याद रहे सिद्धार्थ, दंड युद्ध में तुम मेरे समक्ष होगे, और वहां तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा, और ये दंड युद्ध ये सिद्ध करेगा कि कपिलवस्तु के गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। आप मुझे बुला लिया होता, मुझे लगा तुम दंड युद्ध के लिए अभ्यास कर रहे हो, परंतु तुम यहां तो चित्र निकाल रहे हो। ये लाल रंग क्षत्रियों के उंगलियों पर अच्छा लगता है पुत्र, परंतु ये लाल रंग शत्रु के रक्त का होना चाहिए, ना कि चित्रकारी का। तुम्हारे गुरुजनों ने गुरुकुल में तुम्हें गीता का ज्ञान तो दिया ही हो। पूर्ण कंठस्थ है
केवल कंठस्थ करने से क्या लाभ पुत्र? जब तक उसमें कहे गए क्षत्रिय कर्म के उपदेशों का पालन न किया जाए। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे अहंसक विचार सुनकर मुझे बड़ा खेद हुआ पुत्र। जब तुम एक पक्षी को नहीं मार सकते तो युद्ध में शत्रु को क्या मारोगे? अहिंसा की बातें दुर्बल करते हैं, क्षत्रिय नहीं पुत्र। और तुम्हें क्षत्रिय हो, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही चाहिए। शाक्य कुल के भावी राजा हो तुम। अपने कुल की रक्षा के लिए न जाने कितने युद्ध करने पड़े तुम। कब तक क्षत्रिय एक दूसरे से युद्ध करते रहेंगे? राज्य की रक्षा करना उनका उत्तरदायित्व तो होता है पुत्र। पर क्या राज्य की रक्षा केवल युद्ध से की जा सकती है? विचार विमर्श के द्वारा भी तो प्रश्नों का हल ढूंढा जा सकता है। कायरता की बातें क्षत्रिय नहीं करते पुत्र। एक मनुष्य दूसरे को मारे, उसमें वीरता कैसे? अंत में कौन किस पर राज करेगा? अंत में वही राज करेगा जिसके हाथ में तलवार होगी पुत्र, और वो तलवार मैं तुम्हारे हाथों में देखना चाहता हूं। एक चक्रवर्ती राजा के रूप, सम्राट के रूप में देखना चाहता हूं। ये मत भूलो कि तुम शाक्य कुल के उत्तराधिकारी हो। प्रलय के समय यदि केवल एक ही मनुष्य को जीवित रहना पड़े तो वो केवल तुम्हें होना चाहिए पुत्र, केवल तुम्हें। मैं गीता के उपदेश को समझता हूं पिताजी, पर युद्ध के लिए कृष्ण का विराट स्वरूप आज भी मेरे लिए एक प्रश्न है। गई तू? कब से प्रतीक्षा कर रही थी? प्रणाम दादी। दादी, मंजली रानी आई हैं। वो मेरा पुत्र। तेरा पुत्र हर समय क्रोध बोता है, इसीलिए सब कुछ खोता है। जानती हूं, इसीलिए यहां आई। कल अंतिम दंडयुद्ध होगा। मैं चाहती हूं कि ये कील उठा ले, जिससे भी वो युद्ध करने वाला है उसके दंड में ये कील ठोक देना। वो कभी भी तेरे पुत्र पर प्रहार नहीं कर सकेगा। देने वाली को तू क्या देगी? दादी, हम चलते हैं। देवी, चलिए। चंडिकाय नमः। ओम रीम क्ले। देवदत्त, ये ले, तेरे लिए लाई हूं। ये क्या है माँ? विजयश्री। एक माँ अपने पुत्र के लिए विजय लेकर आई है। अब सिद्धार्थ कभी भी तुझे दंड युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। मैं कुछ समझा नहीं माँ। ये की तुझे सिद्धार्थ के दंड में ठोकने, फिर देखना वो तुझ पे प्रहार ही नहीं कर पाएगा। हो गई ना तेरी जीत निश्चित? माँ,
मुझे जीत याचकों की तरह झोली में नहीं अपनी मुट्ठी में चाहिए। यदि आप कहें तो ये कील सिद्धार्थ की हथेली में ठोक दूं, यदि कहें तो तलवार से उसका सर उड़ा दूं मां। लेकिन इस तरह ये टोने टोट के करके मुझे विजय नहीं होना। मैं एक शूरवीर क्षत्रिय हूं, मुझे जीतना है और मैं जीतूंगा। और जीत का महत्व तब होता है जब एक योद्धा अपने शौर्य और वीरता से युद्ध को जीते। लेकिन आप ये नहीं समझेंगी, क्योंकि आपको अपने पुत्र की योग्यता से अधिक विश्वास स्किल पर है। नादान कहीं का, अब चाहे कुछ भी हो जाए देवता, विजय का मुकुट तो तेरे ही सर होगा। यशस्वी भव क्षत्रिय। मंगला दीदी का भी आशीर्वाद लो पुत्र। अरे मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र, पर आज तो मैं तुम्हारे इस शस्त्र को भी आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ईश्वर करे तुम्हारे शस्त्र को किसी की अशुभ दृष्टि ना। ईश्वर तुम्हें देवदत्त का सामना करने की शक्ति दे। लो का अंतिम चरण यह निश्चित करेगा कि कपिलवस्तु के गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। तो परीक्षा के अंतिम दो प्रतिस्पर्धी अपनी दंड विद्या का परिचय देने पधार रहे हैं। राजा द्रोणोदन के सुपुत्र कुमार देवदत्त। पुत्र और कपिल वस्तु के भावी सम्राट युवराज सिद्धार्थ गौतम। ये लो दंड और कर लो अपनी मंशा पूरी। आज ये प्रमाणित कर दूं कि तुम्हारे दंड और कृष्ण के सुदर्शन में कोई भेद नहीं। वो जब भी चला सत्य के लिए चला, आज तुम्हारा ये दंड भी चलेगा तो सत्य के लिए। अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रजा का विश्वास जीतने के लिए, जाओ विजयी। कौन दिन
लाखों लाख जतन कर, परंतु युवराज के साहस पे तो मैंने पराजय की कील ठोक दी है। तुम्हारे युवराज प्रतिवार क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे युवराज मतलब? युवराज तुम्हारे भी तो हैं। हाँ, मेरे भी तो हैं। तो मुझ पे प्रहार क्यों नहीं करते सिद्धार्थ? तुम जानते हो ज्येष्ठ, मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। मान सम्मान का तुम्हारा ये प्रपंच मैं समझता हूँ सिद्धार्थ, परंतु आज तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। प्रहार करो मुझ पे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ प्रहार करो या अपनी हार स्वीकार करो। ये क्या कर रहे हो तुम? कपिलवस्तु के भावी सम्राट के हाथ कांप रहे हैं गुरुदेव। सिद्धार्थ, मैं ज्येष्ठ पर प्रहार नहीं कर सकता गुरुदेव। आचार्य कौंडिन्य, तो क्या मैं देवदत्त को कपिलवस्तु का सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित कर दूं? नहीं, मुझे भीख में नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें प्रहार करना होगा। ये युद्ध नहीं केवल एक परीक्षा है। गुरुदेव, मैं चाहकर भी हाथ नहीं उठा पाऊंगा। तुम सबके समक्ष ये स्वीकार करो कि तुम कर हो, मेरी प्रतिभा से भय लगता है तुम्हें, स्वीकार करो। सिद्धार्थ, अब तुम्हें किसी एक विकल्प का चयन करना है। या तो तुम्हें प्रहार करना है, या फिर आज के बाद आचार्य कौंडिन्य को भूल जाना है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं और तुम मेरे शिष्य नहीं। गुरुदेव, यदि तुम इस परीक्षा में विजय ना हुए तो मेरा सिखाया सब मिथ्य है। ना समझ पशु पक्षी भी समय आने पर चुनौती स्वीकार कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और तुम तो मनुष्य हो। मत भूलो, अतल वितल भूतल पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा कर्म के अधीन है, कर्माधीन है। पर ज्येष्ठ, इतने भावनाशील मत बनो सिद्धार्थ, केवल अपना कर्म करो। याद रखो, बादल का मूल्य वर्षा से, पेड़ का मूल्य फल से, तलवार का मूल्य धार से, उसी तरह एक क्षत्रिय का मूल्य प्रतिभावान योद्धा बनने से। सिद्धार्थ, मैं जा रहा हूं, यदि मुझे रोकना चाहते हो तो युद्ध करो। अतल वितल भूतल पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा कर्म के अधीन है, कर्माधीन। केवल अपना कर्म करो, केवल अपना कर्म करो।
क्षमा करना ज्येष्ठ, ये प्रहार मैं अपने लिए नहीं गुरु आज्ञा से कर रहा हूं। पहला प्रहार गुरु के लिए। दूसरा माता पिता की अपेक्षा के लिए। तीसरा प्रजा का विश्वास पाने के लिए। शाक्यों के राजकुमारों की कीर्ति मगध और कौशल राज तक पहुंचे। Thank you.
तुम बांसुरी कितनी अच्छी बजाते हो। तुम्हारे नृत्य ने प्रेरित किया। प्रश्न के उत्तर में मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ महादेवी? मैं आपको क्या कहकर पुकारूं, मामी या बुआ? यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा ही हो ना? क्यों चौंक गए ना सब? हो गई ना सबकी आंखें चौड़ी, खिलाई सबकी होठों पे हंसी। कहा था मैंने माँ से, देखना मुझे देखकर सब बहुत खुश होंगे। आप खुश नहीं हैं? हाँ, पर देवदास से यहाँ तक तुम अकेले? मैं अकेली कहाँ हूँ बुआ, मेरे साथ मेरा विश्वास था, आप सबसे मिलने की इच्छा थी, और फिर आप सबको भी तो मेरा इंतजार था। था या नहीं? हाँ, किंतु महाराज दंडपाणि ने तुम्हें रोका नहीं। होते तो रोकते ना मजले मामा, वो तो वैशाली गए हैं। और माँ? माँ, सासे वहां देवदा में ले रही हैं, पर उनका मन यहां कपिल वस्तु में घूम रहा है। तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था। माँ ने भी यही कहा था बड़े मामा, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कुछ करते हुए मुझे भी तो निभाने चाहिए। कर्तव्य? कैसे कर्तव्य? दूरियां मिटाने के। 10 वर्ष हो गए बुआ, आपने अपने भैया को नहीं देखा, और माँ ने अपने भैया को। तुम्हारे रूप में मुझे अमिता दिखाई दे रही, और तुम्हारे शब्दों में उसे सुन रही। मैंने तो कह दिया था माँ से कि मुझे जाने दो, मामा और पिताजी के बीच जो भी अनबन हो, पर मैं बन बन करके संबंध बनाकर ही वापस आऊंगी। परंतु यशोधरा, तुम यहाँ तक आ गई और तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हाँ मंगला मामी, नगर द्वार पर चन्ना से भेंट हुई तो वो मुझे नगर ले आया, और राजप्रसाद के बाहर लोशिका मिली, वो मुझे भीतर ले आई। हाँ महादेवी, मेरे पास आकर कहने लगी पहचाना? मैंने कहा नहीं, तो कहने लगी 10 वर्षों के बाद आई हूँ, पीले पुष्प पसंद है और मेरे हाथी का नाम कुंज है, मैं तुरंत पहचान गई गोपा। लोशिका, ये मैंने क्या कह दिया? गोपा? हाँ महादेवी, महारानी अमिता इन्हें प्यार से गोपा कहती है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने सुन ली थी। लोशिका, गोपा ना। कपिल वस्तु में तुम्हारा स्वागत है गोपा।
ये अच्छा स्वागत है। शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव, पर यहाँ तो विपरीत है। ये अतिथि अपने अतिथ्य को ढूंढते ढूंढते थक गई। मुझे लगा तुम अभी भी सबसे मिलने में व्यस्त हो। सबसे मिल ली, केवल तुम शेष हो। ज्येष्ठा से मिली? हाँ, वो भी पराजय पर बहुत क्रोधित है। जानता हूँ, वो अपनी पराजय को सहज स्वीकार नहीं कर सकते। और तुम भी तो अपनी विजय का आनंद नहीं मना रहे। ऐसा क्यों कहती हो? स्वयं से पूछो, सब कुछ छोड़कर यहाँ अकेले आकर बैठ गए? कोई काव्य की रचना कर रहे हो? नहीं, जब जब मेरा चित्त प्रश्नों के अधीन होता है तो मैं यहाँ उत्तर खोजने चलाता हूँ। प्रश्न? कैसा प्रश्न? यही कि अमावस्या की रात से भी काला क्या होता है? इतना साधारण प्रश्न, अमावस्या की रात से भी काला होता है स्त्री की आंखों का काजल। देखो, कलंक। अब बताओ, जल से पतला क्या होता है? प्रेम। सच कहा ना मैंने? ज्ञान। जल से पतला ज्ञान होता है शुधरा। अब एक प्रश्न मैं करूं? हाँ हाँ, पूछो ना। तुम केवल अच्छी बांसुरी बजाते हो या सिखा भी सकते हो? तुम चाहो तो सिखा भी सकता हूँ। कहते हैं ज्ञान और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं यशोधरा। गोपा, गोपा अच्छा नाम है ना? पहले एक सुर सीखो, केवल फूको इस तरह।